content ID and single pass parallel processing architecture. यहाँ पे पालो अल्टो में क्या होता है, जो हम लोग सिक्योरिटी पॉलिसी क्रिएट करते हैं उसके सिक्योरिटी पॉलिसी के साथ ही हम लोग कुछ सिक्योरिटी प्रोफाइल्स एसोसिएट करते हैं, प्रोफाइल्स, और प्रोफाइल लाइक यूआरएल फिल्टरिंग, मे बी लाइक एंटीवायरस, फाइल ब्लॉकिंग, वाइल्ड फायर, एंटी स्पाईवेयर एटसेट्रा. ये सब सिक्योरिटी प्रोफाइल्स हम लोग सिक्योरिटी पॉलिसी के साथ एसोसिएट करते हैं along to the same security policy like what we create, जो हमारा स्टैंडर्ड एक होता है जिसमें अलाउ या परमिट एक्शन होता है उसके साथ. पर्पस क्या होते हैं, तो यू आर एल फिल्टरिंग, यू अंडरस्टैंड कि यू आर एल को अलाउ या ब्लॉक करना. एंटीवायरस लाइक फायरवॉल के थ्रू अगर कोई फाइल या कोई कॉन्टेंट डाउनलोड या अपलोड हो रहा है और अगर वायरस इन्फेक्टेड है तो उसको वहाँ पे स्टॉप या रिसेट कर देना. फाइल ब्लॉकिंग, किसी फाइल एक्सटेंशन को लाइक exe, pdf, मे बी zip और एनी अदर फाइल एक्सटेंशन को अगर हमें कंट्रोल करना हो इन बोथ द डायरेक्शन लाइक अपलोड और डाउनलोड. वाइल्ड फायर इज लाइक टू प्रिवेंट और प्रोटेक्ट आवर नेटवर्क फ्रॉम जीरो डे अटैक, न्यू अटैक कैसे होता है ये आगे देखेंगे हम लोग. इंती स्पाईवेयर, जो स्पाईवेयर किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल या डाउनलोड करते वक्त या ईमेल में कोई लिंक आ गया उस पर क्लिक करके अगर कंप्रोमाइज हो जाते हैं जो कंप्यूटर्स, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एंटी स्पाईवेयर का कॉन्सेप्ट होता है. तो ये सब हम लोग सिक्योरिटी प्रोफाइल सिक्योरिटी पॉलिसी के साथ एसोसिएट करेंगे, जिसको हम लोग कॉन्टेंट आई डी बोलते हैं. और कॉन्टेंट आई डी इसलिए बोलते हैं क्योंकि कॉन्टेंट आई डी बेसिकली एक इंजन है एंड कॉन्टेंट आई डी इंजन इज बिल्ट ऑन सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर विच इज SP3 आर्किटेक्चर. सो बेसिकली SP3 विच स्टैंड फॉर सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग इज जस्ट आर्किटेक्चर एंड कॉन्टेंट आई डी इज बिल्ट ऑन दिस आर्किटेक्चर. और इसमें इस आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि इनफैक्ट जो मल्टीपल थ्रेट प्रिवेंशन डिसिप्लिन्स हैं लाइक एंटी मैलवेयर, यूआरएल फिल्टरिंग एंड फाइल ब्लॉकिंग एटसेट्रा, सो दे ऑल आर लाइक इन सिंगल, फॉर दैट देयर इज सिंगल स्ट्रीम बेस्ड इंजन एंड विथ यूनिफॉर्म सिग्नेचर फॉर्मेट. मीन्स एक ऐसा पालो अल्टो ने डेवलप किया हुआ है स्ट्रीम बेस्ड इंजन जो रियल टाइम ट्रैफिक को एनालाइज करता है. फॉर एग्जाम्पल इस माई पालो अल्टो फायरवॉल और ये मेरा इंटरनल नेटवर्क है, एक्सटर्नल नेटवर्क है, लेट्स से यहाँ से डाटा जा रहा है ऐसे, तो पालो अल्टो फायरवॉल क्या करता है कि रियल टाइम में इसको एनालाइज करता है जो भी ट्रैफिक यहाँ से पास हो रहा है, रियल टाइम एनालिसिस, और उस रियल टाइम ट्रैफिक को एनालाइज करने के बाद जो भी हम लोग यहाँ पे पॉलिसी लगाएंगे लाइक एंटीवायरस, यूआरएल, एंटी स्पाईवेयर, वो सारी चीज़ों को वो उसके बिहाफ पे अप्लाई करता है कि वो कंटेंट जो है उसके अंदर कुछ मलिशियस कोड है या नहीं है, किस तरीके का है. तो यहाँ पे जो पालो अल्टो ने एक बड़ा ड्रास्टिक इन्वेंशन किया वो ये किया कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो भी ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं लाइक एंटीवायरस, यूआरएल या एंटी स्पाईवेयर या कुछ और भी, इनको एक साथ पैरेलल अप्लाई किया जाए और जो एक इंजन या इनका जो टेक्निक है जिस टेक्निक पे ये काम करते हैं वो कुछ सिंगल यूनिफॉर्म बेस्ड टेक्निक हो. सिंगल यूनिफॉर्म बेस्ड बेसिकली होता है क्या, मैं थोड़ा सा आइडिया दूं तो जो बाकी के वेंडर्स होते हैं जैसे कि फायरवॉल जो मैं डील करते हैं उसमें यूजुअली हम लोग बोलते हैं मल्टी पास टेक्नोलॉजी. मल्टी पास तो मल्टी पास का मतलब ये होता है कि कोई पैकेट आया लेयर टू लेयर थ्री जो नेटवर्किंग है वो चेक हुआ. स्टैंडर्ड अगर हम लोग फायरवॉल की बात करें तो पोर्ट बेस्ड जो फिल्टरिंग वोल्टिंग होता है पोर्ट चेक होता है स्टैंडर्ड पोर्ट, उसके बाद अगर कोई फायरवॉल है तो उस फायरवॉल की पॉलिसी, ये स्टैंडर्ड एक पॉलिसी होता है. तो लेट्स से यूआरएल फिल्टरिंग है तो अगेन उसके लिए अलग टेक्निक होता है फॉर यूआरएल फिल्टरिंग. और यूआरएल फिल्टरिंग के लिए वहाँ पे भी पहले तो पोर्ट बेस तो है ही है कि HTTP का स्टैंडर्ड पोर्ट है कि नहीं है, बट फॉर यूआरएल फिल्टरिंग HTTP डिकोडर, HTTP डिकोडर डिकोड करते हैं कि जो HTTP डेटा है उसके अंदर कौन सा वेबसाइट है कौन सा वेबसाइट नहीं, और अकॉर्डिंग टू दैट वो यूआरएल फिल्टरिंग पॉलिसी यहाँ पे लग जाता है, फिर पॉलिसी लग जाता है. लेट्स से
जो इंट्रूजन प्रिवेंटिव सिस्टम है, जो थ्रेट प्रिवेंशन है, उसके लिए यूजली आईपीएस ब्लेड होते हैं फायरवॉल्स में, सेम हियर पोर्ट बेस्ड। और उसके बाद क्या होता है, आईपीएस का अपना डिकोडर होता है, यह सिग्नेचर होगा इसके बाद, सिग्नेचर आईपीएस के, इंट्रूजन प्रिवेंटिव सिस्टम एंड देन आईपीएस पॉलिसी होगा, राइट, आईपीएस पॉलिसी। अगर हम लोग एंटीवायरस की बात करें, देन अगेन लेयर टू लेयर थ्री, देन पोर्ट बेस एंड देन एंटीवायरस के अपने डिकोडर होंगे, फिर एंटीवायरस का अपना सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर, और फिर एंटीवायरस पॉलिसी। तो ऐसा नहीं है कि बाकी फायरवॉल में हम लोग एंटीवायरस या आईपीएस या यूआरएल फिल्टरिंग नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट फॉर दैट टू हैपन द कॉन्सेप्ट इज मल्टीपास, नॉट द सिंगल पास। तो मल्टीपास से होता क्या, सीरियल तरीके से प्रोसेसिंग हो रही है, मल्टीपल प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, सीरियल प्रोसेसिंग वन आफ्टर अनदर, कि पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये हो गया। और ये सबके सब अपनी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, कोई डिकोडर यूज कर रहा है, कोई सिग्नेचर बेस्ड है, प्लस एक तो ये थोड़ा सा ऐसा होता है। अच्छा, पालो अल्टो में क्या हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। पालो अल्टो में एक तरीके से ऐसा हो रहा है कि जो लेयर टू लेयर थ्री नेटवर्किंग है, उसके बाद अगर यूजर आईडी का कॉन्सेप्ट है तो यूजर आईडी, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी पढ़ा नहीं हम लोगों ने, उसके बाद ऐप आईडी और उसके ठीक ऊपर कंटेंट आईडी, और कंटेंट आईडी में ही सब आ गया आपका। तो उसके बाद पैकेट ये वापस आएगा और यहां से इन हुआ था तो यहां से आउट हो जाएगा। मींस पालो अल्टो में क्या हो रहा है कि सिंगल पास में एक ही बार में पैकेट फुली एनालाइज हो जाता है, फुली एनालाइज हो जाएगा। और एनालाइज करने के लिए भी पालो अल्टो ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड सिंगल यूनिफॉर्म सिग्नेचर डेवलप किया है, सिंगल यूनिफॉर्म एक ही स्टैंडर्ड सिग्नेचर है। उसने कहा कि ठीक है, ये इसके अंदर कंटेंट है, इस कंटेंट को एनालाइज कर लिया जाएगा एक बार में, और उसके बाद एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, जिसको जो पॉलिसी लगाना है ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिजल्ट एनालिसिस, जिसको जो अप्लाई करना, जो इसमें से पोर्शन चाहिए वो उसको यूज करके अपनी पॉलिसी लगा दे, और पैरेलल लगाए, नॉट टू वेट फॉर वन पॉलिसी की एक लग गया तो दूसरा लगेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट किया इन्होंने। और एक छोटा सा और इन्हेंसमेंट क्या किया पालो अल्टो ने, और पालो अल्टो ने ये इन्हेंसमेंट किया इसके अंदर कि जैसे एंटीवायरस या एंटी स्पाईवेयर में यूजुअली क्या होता है कि जो फायरवॉल्स होते हैं, जब फाइल इंटरनेट से कोई डाउनलोड हो रहा है तो काफ़ी एक बड़ा सा उसका पोर्शन ये अपने पास पहले प्रॉक्सी करते हैं फाइल को, मतलब यहाँ पे लोकली स्टोर करेंगे, बफरिंग होगा, उसके ऊपर सिग्नेचर अप्लाई होगा, क्लियर हुआ फिर वो जाएगा, फिर प्रॉक्सी हुआ फिर जाएगा, यानी कि फाइल को प्रॉक्सी करके लोकली स्टोर करके फिर उसको एनालाइज किया जाता है, रियल टाइम एनालिसिस नहीं होता है, तो बहुत लेटेंसी आ जाता है। पालो अल्टो में इफ रिक्वायर्ड देन मे बी अ चंक ऑफ लाइक या कुछ बाइट्स, ये भी पालो अल्टो भी कुछ बाइट्स को जरूर बफर कर सकता है, वो भी इफ रिक्वायर्ड, अदरवाइज इज कंप्लीट रियल टाइम एनालिसिस, मतलब डेटा जा रहा है 01 और ये उठा के एनालाइज करता जा रहा है। तो ये जो इन्होंने इंजन एक डेवलप किया कंटेंट आईडी इंजन, इसकी खासियत यही है कि कंटेंट आईडी इंजन में सिंगल यूनिफॉर्म सिग्नेचर होता है और रियल टाइम ट्रैफिक एनालिसिस है, और सिंगल पास में, मल्टीपल पास नहीं है, और जो प्रोसेसिंग भी है वो पैरेलल हो रहा है। तो अगर प्रोसेसिंग पैकेट का वन गो में होगा या सिंगल पास, दैट इज लाइक इफ प्रोसेसिंग ऑफ पैकेट इज इन वन गो और सिंगल पास, सो डेफिनेटली इट रिड्यूसेस द प्रोसेसिंग ओवरहेड, राइट। एंड लाइक जो इसमें क्लासिफिकेशन या जो चीजें हो रही हैं, जो भी इसमें हम लोग कंटेंट को बाद में एनालाइज कर रहे हैं, वो पैरेलल हो रहा है, लाइक डेटा फिल्टरिंग, वायरल फिल्टरिंग, रियल टाइम थ्रेट प्रिवेंशन, या जो भी ये चीजें हैं, इट्स ऑल रियल टाइम ट्रैफिक एनालिसिस। सो इट्स नॉट लाइक एक के बाद दूसरा या दूसरे के बाद तीसरा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है SP3 का, ये अभी तक किसी फायरवॉल में है नहीं एक तरीके से। फीचर्स ये सब में होते हैं, लाइक URL फिल्टरिंग, एंटी स्पाईवेयर, फाइल ब्लॉकिंग, फीचर वाइज बात किया जाती है, फीचर सब में होता है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे
सिंगल पास या जो कंटेंट आईडी इंजन है वो अपने आप में फिलहाल तक तो यूनिक एक कॉन्सेप्ट है, और ये इनका सेलिंग पॉइंट है पालो अल्टो का, कि वी हैव कंटेंट आईडी आर मे बी स्ट्रीम बेस्ड एनालिसिस, ट्रैफिक एनालिसिस इन सिंगल आर वन गो। तो ये कुछ हद तक इनका है, और मेन इससे एडवांटेज एज ए एंड यूजर हम लोग को एडवांटेज क्या मिलने वाला है, तो इससे एडवांटेज सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को लेटेंसी के परस्पेक्टिव से, लेटेंसी इसमें काफी रिड्यूस हो जाएगा, तो वो एक बहुत बड़ा इनका पार्ट है। तो अगर थोड़ा सा हम लोग सिंगल पास और पैरेलल प्रोसेसिंग और कंटेंट आईडी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें अगर थोड़ा सा हम लोग इसमें SP3 की बात करें जो सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर है, तो अच्छा उसकी जरूरत क्यों हो रही है, क्योंकि जो थोड़ा सा एक लाइन लिख देता हूँ, कंटेंट आईडी को इन्होंने इसी पे डेवलप किया हुआ है, तो सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर इसी को हम लोग SP3 बोलते हैं, सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर। ओके सो सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर। तो इसमें हम लोग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज लाइक प्रोसेसिंग ऑफ पैकेट इन वन गो राइट पर सिंगल पास एंड इट रिड्यूसेस द प्रोसेसिंग ओवर हेड, लेटेंसी को कम कर लेगा ये प्रोसेसिंग ओवर हेड। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि इसके अंदर प्रोसेसिंग ओवरहेड रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि पैरेलल प्रोसेसिंग हो रहा है और सिंगल हो रहा है, और बाकी के जो फायरवॉल्स होते हैं अदर वेंडर फायरवॉल्स यूजेस मल्टीपास टेक्नोलॉजी फॉर एंटीवायरस आ मे बी URL फिल्टरिंग और थ्रेट प्रिवेंशन इसके लिए, तो ये लेटेंसी इसमें होता है। फिर तो जो बाकी वेंडर के फायरवॉल्स हैं वो इस तरीके से यूज करते हैं। तो ये अपने आप में एक जो SP3 आर्किटेक्चर है, क्योंकि इसमें हम लोग जो मल्टीपल थ्रेड प्रिवेंशन लाइक IPS और मे बी एंटी मलवेयर कह सकते हैं हम लोग, एंटी स्पाईवेयर या वनबिलिटी प्रोटेक्शन, ये सब आगे थोड़ा थोड़ा भी हम लोग देखेंगे किस तरीके से इसको एसोसिएट करते हैं एटसेट्रा, या URL फिल्टरिंग, जो URL फिल्टरिंग है, क्योंकि इसमें सब कुछ ये कंटेंट आईडी के ऊपर ही बेस होता है जो भी है इनटू इनटू अ सिंगल स्ट्रीम बेस्ड इंजन विथ अ यूनिफॉर्म सिग्नेचर फॉर्मेट। तो ये एक बड़ा अपने आप में जो मल्टीपल थ्रेड प्रिवेंशन डिसिप्लिन है लाइक IPS एंटी स्पाईवेयर आईएनटी मलवेयर वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन URL फिल्टरिंग एवरीथिंग इन सिंगल स्ट्रीम बेस्ड इंजन विथ यूनिफॉर्म सिग्नेचर फॉर्मेट। और बल्कि इसके लिए मैं हेडिंग डाल देता हूँ जो हमारा मेन टॉपिक था, कंटेंट आईडी, और इसके नीचे एक लाइन और मैं लिखता हूँ कंटेंट आईडी के बारे में, और वो ये कि ये कंटेंट आईडी इज बिल्ट ऑन SP3 आर्किटेक्चर। तो ये जो आर्किटेक्चर है वो SP3 आर्किटेक्चर है। अच्छा, और दूसरी बात इसमें आई गया वैसे तो कि सिंगल
stream based engine with uniform signature format. And the important point is, it's real time traffic analysis. Real time traffic analysis. तो सॉल्व का कंटेंट आईडी से हम लोग करने वाले क्या, ये तो इंजन का नाम है, कंटेंट आईडी इज जस्ट इंजन, क्योंकि कंटेंट आईडी एक इंजन है। अब जो मेन, अच्छा वो आउटफ्लो वैसे ही होगा, इसमें जो पैकेट फ्लो है, अगर हम लोग बात करें कि पहले क्या होगा बाद में क्या होगा, तो उस हिसाब से अगर मैं थोड़ा सा इसमें उसको भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ मैं, तो सबसे पहले जब पैकेट आएगा तो जो लेयर टू या लेयर थ्री नेटवर्किंग होता है वो सब पहले इसमें चेक होगा, नेटवर्किंग ये तो हो गई होगा। एंड देन अगर यूजर आईडी है तो यूजर आईडी, और यूजर आईडी क्या होता है, यूजर को आइडेंटिफाई करना, जो अभी हम लोगों ने इसको एसोसिएट नहीं किया कहीं पे, यूजर आईडी को। सो फर्स्ट लेयर टू लेयर थ्री नेटवर्किंग, एंड देन ये इसकी जरूरत नहीं थी, एक सेकेंड, पैकेट नहीं है ये, तो लेट मी डिलीट दिस। ओके, सो फर्स्ट लेयर टू लेयर थ्री इन नेटवर्किंग, एंड ऑफकोर्स एचए या कॉन्फिग मैनेजमेंट, वो सब कुछ बात करेंगे एचए उच्चे के बारे में, एंड देन यूजर आईडी। अच्छा, यूजर आईडी जरूरी नहीं है बट हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं पॉलिसी में, यूजर आइडेंटिफिकेशन। एंड देन यूजर आईडी के बाद यहाँ पे इसके बाद ऐप आईडी की बारी आती है, एप्लीकेशन आईडी, एप्लीकेशन आईडी। और एप्लीकेशन आईडी के अंदर या एप्लीकेशन आईडी कैसे काम करता है, तो इसमें जो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के जो प्रोटोकॉल डिकोडर होते हैं, प्रोटोकॉल डिकोडर जो पहले हम लोगों ने बात की थी, या सिग्नेचर, या ह्यूरिस्टिक जो पैटर्न होता है, ये सब। ओके, ऐप आईडी के बाद यहाँ पे आता है कंटेंट आईडी, फिर कंटेंट आईडी। ऐप आईडी के बाद कंटेंट आईडी चेक होता है, यानी कि अगर ऐप आईडी ने एप्लीकेशन आइडेंटिफाई करने के बाद ड्रॉप कर दिया, डिनाई कर दिया, तो आपको उस कंटेंट आईडी का कोई रोल नहीं है, यानी कि कंटेंट इंस्पेक्शन जो होगा आफ्टर एप्लीकेशन रिकॉग्नाइजेशन, सो वंस एप्लीकेशन इज डिटरमाइंड देन वली कंटेंट आईडी इंजन विल बी अप्लाइड। और जो कंटेंट आईडी इंजन होता है, इसमें ये सारी चीजें आ गई जो हम लोग वन बाय वन अभी देखने वाले हैं, लाइक यूआरएल फिल्टरिंग, एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, फाइल ब्लॉकिंग और फाइल फिल्टरिंग, डेटा फिल्टरिंग, ये सब इसी के अंदर आ गया, डेटा फिल्टरिंग एटसेट्रा, इट्स ऑल कंटेंट आईडी। एंड देन फाइनल जो पॉलिसी होगा वो पॉलिसी इंजन, फाइनल जो इसका डिसीजन होगा। तो कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, पैकेट आएगा, फर्स्ट लेयर टू लेयर थ्री नेटवर्क है, लाइक सोर्स जोन, डेस्टिनेशन जोन, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, देन यूजर आईडी इफ लाइक इट हैज बीन इनेबल्ड, एंड देन एप्लीकेशन आईडी, ऐप आईडी, राइट। एंड टू डिटरमाइन एप्लीकेशंस, डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज्ड, लाइक प्रोटोकॉल डिकोडर, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल सिग्नेचर, एंड ह्यूरिस्टिक व्हिच इज पैटर्न और बिहेवियर। एंड वंस इट इज अलाउड, इसके भी आप पे अगर वो ट्रैफिक अलाउ हो गया, उसके बाद कंटेंट आईडी की बात आती है। और हालांकि कंटेंट आईडी डायरेक्टली हम लोग पॉलिसी के साथ लगाएंगे नहीं, हम लोग जो लगाएंगे वो ये सब पॉलिसी होगा, बेसिकली ये सब होगा। और ये लगाते कैसे हम लोग, तो इसके लिए हमें सिक्योरिटी प्रोफाइल्स क्रिएट करना पड़ता है, सिक्योरिटी प्रोफाइल्स। तो हम लोग ये सब कुछ सिक्योरिटी प्रोफाइल्स के थ्रू करेंगे, बट ये सिक्योरिटी प्रोफाइल्स जो है ये एक तरीके से कंटेंट आईडी के ऊपर ही बेस्ड है।